हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे व्लॉग चैनल पे। आज मैं आया हूँ लखनऊ की मशहूर और प्राचीन इमारत रूमी गेट पर। इसे रूमी दरवाज़ा भी कहा जाता है और लखनऊ के मशहूर नवाब असदुद्दौला ने इसे आपातकाल के वक्त 1784 में बनाया था। इसे तुर्किश गेट भी कहते हैं क्योंकि रोमन राज के वक्त तुर्की की राजधानी इस्तांबुल में इसी तरह के दरवाजे बनाए गए थे। इसकी ऊंचाई 60 फीट है। पर्यटक इसे देखने के लिए दूर दूर से आते हैं। और ये जामा मस्जिद की मीनार यहाँ से दिखाई देती है, जो कि स्थित है बड़ा इमामबाड़ा में, जो कि एक और यहाँ लखनऊ की बहुत मशहूर और प्राचीन इमारत है। और दूसरी तरफ दिखाई देता है ये गार्डन। ये गार्डन भी बहुत खूबसूरत है और इससे थोड़ी ही दूर पर स्थित है यहाँ की एक दूसरी बहुत ही मशहूर और बहुत ऐतिहासिक इमारत घंटाघर, जिसे क्लॉक टावर भी कहते हैं। और इसके ऊपर इंशाल्लाह मैं बाद में एक दूसरी वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। शाम के वक्त यहाँ पर बहुत खूबसूरत नज़ारा होता है, बहुत सारी भीड़ इकट्ठा होती है सिर्फ घंटाघर को देखने और रूमी गेट को देखने के लिए। चलिए, यह था सामने का व्यू। अब आपको ले चलता हूँ रूमी गेट के पीछे। पीछे से भी ये इमारत बहुत खूबसूरत लगती है। चलिए मैं आपको इसको पास से दिखाता हूँ। देखिए, बहुत खूबसूरत है। और इसके साइड में ही सीढ़ियाँ बनी हुई हैं जिससे पहले पर्यटक ऊपर जा सकते थे, लेकिन अब बंद कर दिया गया है। और इसके साइड में ही है वो गार्डन जो आपने पहले देखा था, बहुत खूबसूरत गार्डन है। और गार्डन के पीछे दिखाई देती है टीले वाली मस्जिद, जो एक प्राचीन मस्जिद है और एक ऐतिहासिक मस्जिद। देखिए, आपको पास से दिखाता हूँ। इस पर इंशाल्लाह बाद में एक वीडियो ज़रूर बनाएंगे। ये बड़ा इमामबाड़ा का एंट्रेंस गेट है, जिसके अंदर जाते ही आपको बड़ा इमामबाड़ा और भूलभुलैया देखने को मिलेगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम भूलभुलैया और बड़ा इमामबाड़ा कवर करेंगे। रूमी गेट बड़ा इमामबाड़ा और छोटा इमामबाड़ा के बीच में हुसैनाबाद रोड पर स्थित है। वीकेंड में लोग यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करने के लिए आते हैं। चलिए देखिए रूमी गेट का खूबसूरत नज़ारा। रूमी गेट के साइड में ये बहुत खूबसूरत गार्डन है, जो कि मैंने पहले भी आपको दिखाया था। और ये हैं मेरे दोस्त नयाब अली, जो कि काफ़ी खुश हैं और कुछ लगता है कुछ ज़्यादा ही जल्दी में हेलमेट लगा के घूम रहे हैं। और यहाँ तक देखिए नज़ारा खूबसूरत गार्डन का। अरे नयाब भाई, हेलमेट उतार देते, कुछ ज़्यादा ही जल्दी में लग रहे हैं, तो इनको ज़्यादा जल्दी है। अरे नयाब भाई, चल रहे हैं अभी, बस 5 मिनट और रुको। और आपको अब दिखाते हैं जामा मस्जिद का नज़ारा, जो कि इमामबाड़ा में स्थित है, बहुत खूबसूरत इमारत है। चलिए फिर मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में किसी और प्लेस पर। ये मेरा पहला व्लॉग था, तो जो भी कमी हो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट मेरे लिए मायने रखते हैं। चलिए, अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखना। बाय बाय।